दोस्तों सलाम नमस्ते वनकम सत श्री अकाल, स्वागत है आप सभी का दी अजय मेरू एक्सप्रेस चैनल पे। मैं हूँ शरद, लेकर के सीधे चलते हैं आपको हमारे मोस्ट पॉपुलर शो एक्सप्रेस पर्सनैलिटी सीरीज में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और ये मेरी प्राउड प्रेजेंटेशन है कि आज इस सीरीज का 25वां सिल्वर एपिसोड आप लोगों की स्क्रीन पे बहुत जल्द प्रसारित होने वाला है। बहुत सार की मेहनत रही, बहुत सार का स्नेह रहा, बहुत सार का आप लोगों का मार्गदर्शन मिला मुझे। इन सब व्यक्तित्वों से आप लोगों को रूबरू कराने में बहुत प्रसन्नता हुई। लेकिन आज 25वां एपिसोड में कोशिश करूंगा कि जो भविष्य की रूपरेखा को तय करता हो। अब तक आप मिले हैं मेरे एपिसोड्स में जहाँ राजनीति के वर्तमान और भूतकाल को जोड़ करके और अपने विजन को लेकर के मैंने व्यक्तित्वों को आपके समक्ष प्रस्तुत किया। चूंकि ये 25वां एपिसोड है, सिल्वर एडिशन है एक्सप्रेस पर्सनैलिटी सीरीज का, तो मैं चाहूँगा कि होना चाहिए इसमें कुछ ऐसा मसौदा जो तय करता हो नगर के भविष्य को या आने वाली तैयारियों को। बात करेंगे आज इसी एपिसोड में एक ऐसे व्यक्तित्व की जो पिछली 5 पीढ़ियों से राजनीति के अंदर सेवाएं दे रहा है, जनप्रतिनिधि के रूप में लगातार हार जीत सत्ताएं आएंगी जाएंगी जैसा कहा जाता है, ये अलग विषय है। लेकिन सफ़र शुरू होता है इस परिवार का, इस व्यक्तित्व के परदादाजी से ये सफ़र शुरू हुआ इस परिवार का। श्रीमान मिश्रीलाल जी साहब जो पहले इस शहर के पार्षद हुआ करते थे, उसके बाद ये परंपरा आगे बढ़ी, श्री लक्ष्मी नारायण जी तक पहुंची, उसके बाद में इसी परिवार से श्री सूरज नारायण जी चेयरमैन साहब बने इसी शहर के। अब बात चलती है 5G की। दोस्तों ज़माना 5G का है, बड़ी फास्ट जनरेशन है, विचार बहुत जल्दी आते हैं, बहुत क्रिएटिव हैं, बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरेशन कही जाती है। तो आज देखते हैं इसी परिवार की इस 5th जनरेशन 5G को, जो इस बार पुष्कर के आम चुनावों में किस तरीके का विजन लेकर के आ रहे हैं, क्या उनकी सोच है, क्यों चुनाव लड़ना चाहते हैं। एक तरफ परंपरागत जो विरासत उनको मिली है, जो संस्कार उनको मिले हैं वो हैं, दूसरी तरफ जैसा मैंने आपको बताया ये 5G, तो कितनी स्पीड से वो अपना मसौदा तैयार कर रहे हैं। बहुत दिलचस्प और लंबा इंटरव्यू होने वाला दोस्तों। चाय कॉफ़ी बिस्किट टेबल पर रख लीजिए और बने रहिए मेरे साथ इस इंटरव्यू में, क्योंकि ये होने जा रही है एक बहुत ही भविष्य की विशाल रूपरेखा। जी हाँ, आज स्टूडियो में एक्सप्रेस पर्सनैलिटी के रूप में आने वाले हैं और कोई नहीं, इसी परिवार से श्री हलदर, जिनका नाम जितेंद्र पाराशर है। जानते हैं आज की इस एपिसोड में कि क्या कुछ विजन चल रहे हैं उनके मन में। तो सीधे चलते हैं स्टूडियो जहां मेरे साथ अभी मौजूद हैं श्री हलदर भाई। तो शुरू करते हैं हलदर भाई, आज का एक्सप्रेस पर्सनैलिटी शो, चूँकि आपका परिवार करीब करीब पीढ़ियों से राजनीति के क्षेत्र में काम करते आया है, क्या कुछ आपका प्लान है, क्या इस बार चुनाव लड़ने की मंशा है? इस बार अगर पार्टी ने मौका दिया तो मैं चुनाव जरूर लड़ूंगा, और वैसे भी हमारा परिवार पारिवारिक चुनाव लड़ता है। मेरे परदादा जी भी चुनाव लड़ते थे, मेरे दादाजी चुनाव लड़ते थे, मेरे बाबूजी चुनाव लड़े हुए हैं, चेयरमैन बने हुए हैं, फिर मेरे चाचा जी चुनाव लड़े हुए हैं। अब कि मैं चुनाव, पार्टी ने अगर मौका दिया तो मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। आप मुझे इस चुनाव के अंदर 5G बोल सकते हो कि 5वीं पीढ़ी चुनाव लड़ेगी। दोस्तों 5G, इसके ऊपर आप ज़रूर फोकस रखें। देखते हैं, देखें आज ये 5G कितनी फास्ट और कितनी क्रिएटिव है। तो हलदर भाई, क्या आपका मन पार्षद का चुनाव लड़ने का है या आप चेयरमैन तक का सफ़र भी करना चाह रहे हैं? अगर पार्टी ने मौका दिया तो मैं चेयरमैन ज़रूर बनना चाहूँगा। पुष्कर की जनता, पुष्कर की पब्लिक सब मेरे साथ है। मैं किसी भी वार्ड के अंदर कहीं भी जाके चुनाव लड़ सकता हूँ। पुष्कर के सभी लोग मेरे भाई है, भाई बहन है, और सभी मेरे मित्र हैं। मेरी व्यक्तिगत सभी मेरे साथ हैं। बहुत अच्छी बात है, आपका अपना एक पारिवारिक परिदृश्य है, आप उस परिवार में से निकल कर के आए हैं, तो बाई ब्लड आप में पॉलिटिक्स है। लेकिन ऐसा क्या
खास रहे। देखिए हल्दर भाई, बात थोड़ी सी हटा करके करते हैं, सब चुनाव लड़ना चाहते हैं, सब कोई चेयरमैन बनना चाहता है, सबको राजनीति करनी है, सब ये सब वादे वफा सब चलती रहती है, लेकिन कुछ मुझे ऐसा लगा नहीं कि कुछ ठोस आज तक शहर के विकास में हो पाया है। बड़ी मंथर चाल है विकास की, बड़ी अलग अलग क्षेत्रों से होती हुई निकल रही है। तो आप ऐसा क्या मानते हैं कि आपके पास ऐसा क्या विजन है, आप ऐसा क्या एजेंडा लेकर के इस इलेक्शन में उतरना चाहते हैं? अगर पार्टी ने मुझे मौका दिया और अगर मैं चेयरमैन बढ़ा तो मैं 25, एक महीने में 30 दिन होते हैं, उसमें से 25 वार्ड है पुष्कर राज पुष्कर के, मैं हर वार्ड के अंदर मेरा अपना ऑफिस बढ़ाऊँगा, हर वार्ड के अंदर एक दिन मैं उस वार्ड को दूंगा, एक महीने के अंदर 25 दिन में 25 वार्डों में रहूँगा, बाकी के जो टाइम बाकी का जो समय बचेगा वो मैं अपने प्रशासनीय कार्य को काम करूँगा उसका। ये आपका एक विज़न है, एक नया कंसेप्ट निकल करके आता है दोस्तों कि आप एक भावी संभावनाओं को तलाश रहे हैं और आप प्रयास कर रहे हैं कि कुछ नया प्रस्तुतिकरण हो। उसी के दौर में सबसे पहला आपने बताया कि आप 30 दिनों को कैसे अपने कार्यशैली में डिवाइड करते हैं, तो निकल करके आता है कि आप 25 वार्डों में 25 दिन एक एक दिन एक एक वार्ड में बैठना चाहते हैं और वहाँ आप अपना जनता से सीधा संवाद करना चाहते हैं। ये एक बात। बात नंबर दो, और क्या खास विजन है आपका? मेरा खास विजन यही है कि पुष्कर राज का जितना भी संपूर्ण विकास बाकी रह गया है उसको संपूर्ण विकास कराऊं, जिसके अंदर पहला सबसे बड़ा विकास है सरोवर में गंदा पानी जो जा रहा है उसकी रोकथाम करूँ अच्छे तरीके से। दूसरा, पुष्कर राज के अंदर खेल मैदान को सुचारू रूप से चालू कराने का प्रयास करूँ ताकि मेरे नए बच्चे उसके अंदर अच्छे खेल सके। तीसरा, मेरा यह प्रयास रहेगा कि मैं पुष्कर राज के अंदर अच्छा एक बहुत बढ़िया पिकनिक के हिसाब से गार्डन विकसित करूँ जहाँ पब्लिक यात्री आए हुए एक दिन उसके अंदर रुक सके, देख सके, घूम सके, ताकि एक दिन पुष्कर राज के लोगों को रोज़गार ज़्यादा अधिक मिले। चौथा मेरा विजन ये है कि भाई पुष्कर राज के अंदर जो कॉलेज अभी तक चालू सुचारू रूप से चालू नहीं हो पाई है उसे मैं हर हालत में चालू करवाऊँगा। ये अभी आपने, मैं आपकी बात काटता हूँ, अभी आपने कहा कि आप सीवरेज सिस्टम यानी कि गंदे पानी की निकासी पे कुछ करेंगे, तो ये कैसे संभव है? आप मतलब क्या कोई आपका कोई प्लान है इसके ऊपर, या तो इस पर कुछ आप बताएं क्या कुछ चल रहा है यहाँ? सर, इसके लिए मेरे बैकेंड की टीम मेरे लिए अच्छा काम कर रही है, वो मुझे रोज़ राय देते हैं, मुझे रोज़ सलाह देते हैं। बैकेंड की टीम रोज़ इसके ऊपर काम कर रही है, जो मैंने आपसे वादे किए हैं, पब्लिक से वादे कर रहा हूँ, ये सारे मेरी बैकेंड की टीम के हैं और वो सब इस पर लागू है, सब उस पर चालू है, और मैं जल्द से जल्द जब चेयरमैन बनूँगा जल्द से जल्द ये कार्य अतिशीघ्र पूरा करूँगा। बहुत लंबा चौड़ा दृष्टिकोण है, जैसा आपने बताया कि ये एक धर्म नगरी है, तो आप इस लिहाज से आपके मन में, चलिए इस बात को मैं थोड़ा सा बाद में उठाता हूँ, सबसे पहले बात करते हैं अपन शहर की। शहर का पहला मुद्दा आपने मुझे बताया कि भाई आप सीवरेज का काम कर रहे हैं, उसके लिए आप अपनी बैकएंड की टीम से तैयारी करवा रहे हैं। दूसरा क्या बड़ा मुद्दा है? ऐसी व्यवस्था करूँगा कि शहर कचरा मुक्त हो, इसके लिए जल्द ही बैकएंड की टीम मुझे इसका पूरा प्रोसेस बना के देगी और मैं जल्द से जल्द पुष्कर को कचरा मुक्त बनाऊंगा। तीसरा मुद्दा मेरा यह है कि गौ माता जो पुष्कर राज के अंदर विचरण कर रही है, पुष्कर राज में गौ माता विचरण करेगी, पर इसके लिए मैं जल्द से जल्द एक गौशाला बनाऊंगा और इतनी भव्य गौशाला बनाऊंगा कि लोग बाग उस गौशाला को भी देखने जाएंगे। मेरे विशेषज्ञ इस काम के लिए भी लगे हुए हैं, वो मुझे बिल्कुल प्रॉपर सही राय दे रहे हैं कि हम लोगों को कैसी गौशाला बनानी चाहिए और कैसा काम होगा गौशाला। इसकी तैयारी मसौदा लगभग तैयार हो चुका है और बहुत जल्द जिस दिन मैं चेयरमैन बनूंगा उसी दिन से इसका काम बिल्कुल तैयारी पे है और बिल्कुल काम जनता के सामने होगा। तो मेरा सबसे बड़ा छोटा मुद्दा ये रहेगा, जहाँ इतने देसी विदेशी आसपास के ग्रामीण आते हैं उनके लिए मैं सबसे अच्छा और बेहतरीन जितना हो सके उतना हॉस्पिटल के अंदर जो सुविधाएं मिल सके वो मैं राज्य सरकार, नगरपालिका फंड या केंद्र सरकार मोदी जी के कैसे भी करके इस हॉस्पिटल को
बहुत अच्छा और भव्य बढ़ाऊंगा और इसके अंदर बहुत सारी सुविधाएं जो अभी नहीं है वर्तमान में वो सारी सुविधाएं डॉक्टर सहित पूरा करूंगा कि यहाँ लोग बाग ये कहे कि भाई वाकई में हॉस्पिटल के अंदर सारी सुविधाएं यहाँ है। इस हॉस्पिटल को मेरा ये प्रयास रहेगा कि उस हॉस्पिटल को इतना हाईटेक बनाऊँ कि जो हम लोग बार बार हर छोटी से छोटी बात के लिए अजमेर रेफ़र करना पड़ जाता है, एम्बुलेंस की व्यवस्था ही नहीं मिलती है कई बार, रात बिरात वगैरह डॉक्टर वगैरह नहीं डॉक्टर वगैरह मिलते नहीं है, तो ऐसी हाईटेक सुविधा कराऊंगा, हाईटेक हॉस्पिटल बनाऊंगा कि यहाँ 24 घंटे एमरजेंसी के अंदर भी डॉक्टर मिले और ज़्यादातर उनको अजमेर रेफ़र नहीं करना पड़े, यहीं पर उनका इलाज हो जाए, ऐसा पूरा प्रयास करूँगा और ऐसा भगवान पुष्कर आने चाहा तो ऐसा होगा। शरद जी, इसके अलावा मेरा पांचवा विजन शुरू होगा। मैं यहाँ कई उद्योगपतियों से मिलके, काफ़ी उद्योगपतियों से भी बातचीत चल रही है, अगर यहाँ कुछ उद्योग वगैरह लगाने का प्रयास पूरा करूँगा जहाँ मेरे भाइयों को बहनों को बाहर जाके काम करने की कम आवश्यकता होगी, यही उनको काम मिल जाएगा, ग्रामीण तबके के मीडिया ग्रामीण तबके के लोगों को यही काम करने का मौका मिल जाएगा, ऐसा मेरा पूरा प्रयास है और भगवान पुष्करा ने चाहा तो इसके अंदर भी मैं पूरा सफल हूँ। इसके अलावा शरद जी, मेरे विशेषज्ञ ये भी विचार कर रहे हैं कि पामोचनी माता का जो पानी बरसाती जो पानी आता है उसके लिए एक अलग से पाइपलाइन बना के मैं उसको सरोवर में लाऊं ताकि शुद्ध पानी सरोवर में आवे, ख़राब नहीं होवे, और इसके अलावा जो तहसील से वहाँ से जो पानी सीवरेज का जो पानी आ रहा है उसकी मैं एक अलग से लाइन बनाना चाह रहा हूँ जिसके अंदर सीधे हमारे पंप के अंदर जो पानी जाता है तो वो ओवर फ्लो नहीं होवे और बाढ़ नहीं आवे और यहाँ के बासिंदों को यहाँ के लोगों को तकलीफ़ नहीं हो उसकी, तो उसके लिए भी मेरे विशेषज्ञ बात कर रहे हैं, तो मैं बाहर मारवाड़ बस स्टैंड के होते हुए बाहर से ही इन दोनों कामों का पूरा प्रयास करूँगा कि भाई दोनों काम जल्द से जल्द हो जाए। छठा मुद्दा मेरा सबसे अच्छा और सबसे घाटों का जो रखरखाव है, ऐसा सफल घाटों का रखरखाव करूँगा जहाँ नियमित सफाई, पानी जैसे प्रदूषित हो जाता है उसके लिए ऑक्सीजन का ट्रीटमेंट प्लांट, और जो पानी अभी कंटिन्यू पानी जा रहा है इसके लिए एक समुचित ऐसा लाऊंगा कि ये पानी स्थिर रहे, और उसके अलावा जैसे घाटों के अंदर कपड़े बदलने की, पुरुषों की महिलाओं की बैठने की कपड़े बदलने की भी व्यवस्था नहीं है, ऐसी सुचारू व्यवस्था करूँगा कि लोग उस व्यवस्था को भी सभी सराहेंगे। उसके अलावा घाटों के अंदर जो बैठने की व्यवस्था है भी बिल्कुल समुचित नहीं है, वो घाटों के अंदर बैठने की समुचित व्यवस्था करूँगा। पूरे घाटों के 52 घाटों के अंदर सभी जगह जो लाइटें काफ़ी कुछ बंद पड़ी रहती है वो लगभग आपको चालू ही मिलेगी, और जैसे अभी आज की तारीख में हमारे कबूतरों के लिए दाणा वगैरह के डालने के लिए व्यवस्थाएँ नहीं हैं, वो भी प्रमुखता से रोज़ ऐसी व्यवस्था करूँगा कि कबूतरों के लिए दाना वगैरह वो लोग उसी में डालें, क्योंकि अभी भी मैं रोज़ पुष्कर आज की कृपा से अंदादा की कृपा से रोज़ सुबह एक बार जाता हूँ, दो परिक्रमा लगाता हूँ, तो मुझे घाटों के लिए घाट के लिए तो ऐसी व्यवस्थाएँ मेरे दिमाग में है कि मुझे रोज़ पता है कि पुष्कर आज के अंदर मेरे पुष्कर आज के अंदर क्या समस्या है, कौन सी समस्या नहीं है, क्योंकि मैं रोज़ दो परिक्रमा लगाता हूँ, बिना चप्पल के लगाता हूँ। तो ऐसी कार्य योजना बनाऊंगा पुष्कर आज के लिए तो कि आज यात्री तीर्थयात्री पुष्करवासी सरोवर पुष्कर आज के पास घंटे दो घंटे पुष्कर आज को निहारे देखे, ऐसा विकसित करूंगा लाइट वगैरह से हर चीज़ से कि कोई भी यात्री आएगा तो घंटे दो घंटे बैठने की उसकी जरूर इच्छा होगी उसका। शरद जी, सातवां मेरा विजन जो है वो है शिक्षा को लेकर। मेरी हार्दिक इच्छा है शिक्षा को लेकर कि जो यहाँ की जो कॉलेज जो बन चुकी है उसके अंदर हाईटेक प्रयोगशाला हो, बहुत अच्छी अच्छा फर्नीचर हो, लाइटिंग की व्यवस्था अच्छी हो, बच्चों के बैठने के हिसाब से अच्छा फर्नीचर हो, बच्चों के लिए अच्छी हो सके तो अच्छे पंखे हो सके तो उनके लिए अगर कोई हो तो एसी रूम हो, और जैसे बच्चों के लिए अगर मान लो सिटी बस की प्रॉब्लम होगी तो सिटी बस की होए, पानी की समुचित व्यवस्था हो उनके लिए खेल का मैदान अच्छा हो कॉलेज के अंदर, और उसके अलावा हमारे यहाँ जो लड़कियों की स्कूल के अंदर जो काफ़ी कुछ समस्या है, जैसे पानी की समस्या है, लेटरिन बाथरूम की समस्या है, प्रयोगशाला की समस्या है, हमारी बॉयज़ स्कूल के अंदर काफ़ी कुछ समस्याएँ है, तो उसका मैं यहीं के
व्यापारियों से मिलके सरकार से, नगरपालिका से, राज्य सरकार से, केंद्र सरकार से तो ये सब काम कराऊंगा ही, उसके अलावा मैं यहीं के व्यापारियों से भी मिलकर मेरी तरफ से भी काफ़ी कुछ सुविधाएं मैं यहाँ शिक्षा को देना चाहूँगा और मैं दूंगा। पुष्कर राज मेरा अंतर्राष्ट्रीय शहर है, अंतर्राष्ट्रीय मेरा गांव है, यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था में ऐसी बनाऊँगा, ऐसी करूँगा, तू मेरा इंतज़ार तो कर, मेरा शौक तो देख। अभी मैं पूरी नहीं बताना चाहूँगा, बाकी आप देखेंगे कैसी करता हूँ। आज 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 हल्दर भाई शायराना हो गए हैं, आप देख सकते हैं कि इन्होंने यहाँ पे एक पोज बना करके और अपनी बात को छोड़ दिया है, मतलब इसका मसौदा भी सार्वजनिक नहीं होने वाला है। से जुड़ा हुआ है जो हमारे पुष्कर राज के लिए, हर घर के लिए ज़रूरी है, पानी की व्यवस्था। पानी की व्यवस्था को बिल्कुल सुचारू रूप से और सही टाइम के हिसाब से सभी कॉलोनियों में चालू करवाना, क्योंकि अभी पानी की व्यवस्था हमारे यहाँ बिल्कुल सुचारू नहीं है शरद जी। कब किस वक्त कहाँ पानी आना है अभी कुछ भी तय नहीं होता है। कहीं हमारी माँ बहन बेटियों को सुबह 4 बजे भी उठना पड़ता है, वो भी फ्रेशर से नहीं आता है, कहीं कहीं 3 बजे भी उठना पड़ता है। तो मेरा सबसे प्रयास यही रहेगा कि शहर के अंदर पानी बिल्कुल सही समय सारणी के आधार पर आवे, सही फ्रेशर से आवे। तो इसके लिए मैं विशेष कार्य योजना बना के राज्य सरकार, केंद्र सरकार से हर हालत में उसका टाइमिंग, हर हालत में उसका टाइम पीरियड पानी वगैरह का उसको बिल्कुल सुचारू रूप से चालू कराऊंगा। उसके अलावा हमारे शहर के अंदर सड़कें बिल्कुल है, उस सड़कों को मैं ऐसा सुचारू रूप से चालू कराऊंगा, सही बनाऊंगा कि लोगों को पता ही नहीं चलेगा कि हम सड़क पर चल रहे हैं या संगमरमर की सड़क पर चल रहे हैं। ऐसी सड़कों का जाल बिछाऊंगा कि लोग कहेंगे कि उसका राज वाक्य में अंतर्राष्ट्रीय है। जो मोदी जी का सपना था, अटल जी का सपना था कि सड़क व्यवस्था बिल्कुल सुचारू रूप और बहुत अच्छी होनी चाहिए, वैसी व्यवस्था में सड़कों के मामले में भी बिल्कुल वैसा का वैसा जाल बिछाऊंगा। उसके अलावा जो पुष्कर राज में जो लाइट की समस्या है, काफ़ी समस्या लाइट की समस्याएँ चल रही है, उसके लिए भी मैं विशेष कार्य योजना बनाने का पूरा प्रयास करूँगा कि भाई लाइट जो व्यवस्था जावे लंबे पीरियड पर न जाके टाइमिंग 2 घंटे, 2-2 घंटे करके जावे, 1-1 घंटा करके जावे, ताकि लोगों के समुचित वापस व्यवस्था उनके बैठे। क्योंकि ज़्यादातर लोग परेशान होते हैं, 5 घंटे, 4 घंटे लाइट चली गई, 6 घंटे लाइट चली गई। तो उसके लिए भी वही है कि भाई टाइम फिक्स करके आप उसको एक साथ नहीं जाके, आवश्यकता हो तो उसको 2 बार में 3 बार में लाइट की कटौती करें। बहुत बहुत अच्छा विचार है आपका, आपको शुभकामनाएं, आप अपने विजन को और आगे बढ़ाएं जी। 10वां मेरा सबसे बड़ा विजन ये रहेगा, मैं पुष्कर राज के अंदर जितने भी साधु संन्यासी संत आते हैं उनके लिए एक विशेष अच्छी विश्राम स्थली बनाऊंगा, जहाँ हमारे तीर्थ पुरोहित भी रह सकते हैं, उनके खाने पीने की समुचित व्यवस्थाएँ करूँगा। यात्री वगैरह जो आते हैं, साधु संन्यासी वगैरह, उनके लिए एक विशेष जहाँ पूजा पाठ हो सके, 1 दिन 2 दिन रह सके, उनके खाने पीने का विशेष व्यवस्था करूँगा। एक विश्राम स्थली बहुत अच्छी और शानदार विश्राम स्थली बनाऊँगा, उस ताकि पुष्कर राज के लोग भी मुझे शाबाशी दे सके, आशीर्वाद अपना दे सके, और साधु संन्यासी भी मुझे आशीर्वाद दे सके, और वो भी मुझे वो कहे कि वाकई में व्यवस्था है तो पुष्कर राज में। इसके अलावा विजन मेरे पास बहुत है, जैसे यहाँ सभी समाजों की धर्मशालाएँ हैं, वो काफ़ी समय से पुरानी है, काफ़ी समाजों के पास जमीन धर्मशाला नहीं है। तो मेरा ये प्रयास रहेगा कि जिन जो समाज वंचित रह गए हैं धर्मशालाओं से, जिसमें मेरा खुद का समाज भी है, मैं उन सबको ज़मीनें अलॉट करूं, ड्राफ्ट बनाऊं उनका, कि उन सब समाजों को ज़मीनें मिले ताकि एक अच्छी धर्मशालाएँ बने, और जो बाहर से यात्री वगैरह परदेशी पर्यटक आ रहे हैं वो वहाँ रुके और उसका समुचित लाभ सब समाज को मिले। इसके अलावा विजन मेरे पास बहुत सारे हैं, लेकिन अभी जैसे जैसे समय आएगा वैसे वैसे मैं आपको और बताता चाहूँगा कि भाई क्या मेरे पास विजन और है। बहुत बहुत लंबी चौड़ी 5G जनरेशन, बहुत लंबी सोच, बहुत लंबे विचार, लेकिन इसी सीरीज़ को जारी रखेंगे। दोस्तों, मेरे इस प्रयास को, मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना न भूलें।
फिर से एक बार विधानिक चेतावनी में यहाँ जारी कर देता हूँ कि मैं किसी भी पार्टी की विचारधारा से सहमति नहीं रखता। ये एक प्लेटफॉर्म है जहाँ आप अपने विचार साझा करते हैं, आगे आपके स्वयं के निर्णय हैं, चैनल बाध्यता नहीं देता है। हल्दर भाई, बहुत सारी की आपने अपनी बातें रखी, बहुत सारे के विजन आपने रखे, पार्षद, चेयरमैन, शहर के विकास डेवलपमेंट, इनके मॉडल आपने हमें बताए, लेकिन अब ज़रा राजनीति से हटते हैं हल्दर भाई, क्योंकि आप मेरे इस शो के अंदर एक एक्सप्रेस पर्सनैलिटी के रूप में आए हैं। गैर राजनीतिक संबंध मेरे दर्शकों को क्या देना चाहेंगे, क्या प्रेरणादायी संदेश आप इस शो के माध्यम से देंगे? मेरा सभी दर्शकों से यही है आग्रह कि सभी लोग भाईचारे से रहे, सभी एक दूसरे को भाई मांग के चले। सभी को दीपावली आ रही है, दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं, और सभी को ये कहता हूँ कि भाई स्वस्थ रहो, मस्त रहो, और जो मुझसे सहायता हो सके वो मैं सबकी करने को तैयार हूँ। आप हमारे स्टूडियो में देख रहे थे भावी प्लानिंग 5G जनरेशन की। बने रहिए हमारे साथ इसी तरीके के दिलचस्प एपिसोड देखने के लिए। हल्दर भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें समय दिया, थैंक यू वेरी मच। सर जी, आपका भी धन्यवाद, आपने मुझे समय दिया, आपने मुझे अपने स्टूडियो पे बुलाया। पुष्कराज की असीम कृपा हो आप पे कि आपने मुझे बुलाया और आपने मुझे योग्य समझा। भगवान करे आपकी तरक्की और दिन रात दोगुनी चौगुनी तरक्की हो। धन्यवाद हल्दर भाई, बहुत लंबे चौड़े सपने हैं, विजन है आपके। पालिका की आय सीमित होती है, पालिका के आय के संसाधन सीमित होते हैं, इतने सब कुछ, इतने बड़े अरबों खरबों के प्रोजेक्ट्स को करने में कैसे ये पालिका धरातल पर सफल हो पाएगी? शरद जी, आप सही कह रहे हैं, नगरपालिका के पास इतने संसाधन नहीं होते हैं, लेकिन मैं अपने सांसद महोदय श्री भागीरथ जी चौधरी की का काफ़ी सांसद फंड उनसे उसका राज में लगवाऊँगा। उसके अलावा मेरे मित्र है श्री सुरेश जी रावत, सुरेश सिंह जी रावत हमारे MLA है, पूर्व मिनिस्टर है, मेरे मित्र भी है, मेरे भाई भी है, उनसे भी मैं काफ़ी उनका विधायक फंड उसका राज के अंदर ही खर्च कराऊँगा। और अगर काफ़ी कुछ उसके अलावा भी अगर काफ़ी कुछ कम पड़ा तो मैं मेरे श्री माननीय प्रधानमंत्री जी, यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री जी, जो पुष्कर राज के नाम पे, पुष्कर राज का नाम सुनते ही प्रफुल्लित होते हैं, उनसे भी मैं काफ़ी कुछ सहायता लाऊंगा। और ये जो आपने मुझे जो विजन देखा है, आपने मेरा विजन सुना है, ये विजन मैं हर हालत में पूरा करूंगा। अगर इसमें कुछ ज़रूरत पड़ी तो मैं यहाँ के स्थानीय व्यापारी, यहाँ के बाहर के उद्योगपति, यहाँ के हमारे बहुत सारे व्यापारी, होटल वगैरह, काफ़ी कुछ लोग सहायता करने को तैयार बैठे हैं, उनसे भी मैं काफ़ी कुछ सहायता लूँगा। हॉस्पिटल वगैरह के अंदर है, घाटों के अंदर है, आज भी मेरे पास ऐसे व्यापारी, ऐसे मित्र बैठे हैं जो तीर्थराज पुष्कर के नाम पे सब कुछ काफ़ी कुछ देने को तैयार बैठे हैं। तो ये आप ये मत समझिए कि मेरा अकेला का विजन है, ये पूरे पुष्कर राज की जनता का विजन है। यहाँ के मेरे मित्र, मेरे रिश्तेदार, मेरे दोस्त, मेरे माँ बहन भाई बंधु, छोटे छोटे बच्चे, ये सब लोगों का मेरे पे आशीर्वाद है, जब भी मैं आपके सामने ये सब बोल पा रहा हूँ। और ये सब उन लोगों का राय, उन लोगों की सलाह के बाद ही मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये सब उसका राज की कृपा से सब सफल होगा। इसके अंदर मैं MLA साहब हमारे मेरे मित्र हैं, उनका मैं विशेष सहयोग लूँगा, और वैसे भी वो मुझे मना नहीं करते हैं किसी काम के लिए, तो काफ़ी कुछ खर्च में उनसे भी करूँगा।